हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पर। तो एक बार जल्दी से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और आप सारे लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है, और चैनल को आपको सारे के सारे विद्यार्थियों को सब्सक्राइब भी कर देना है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सेशन रहने वाला है, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग इंडियन पॉलिटी के डिस्कस करेंगे। तो एक बार जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं, जुड़ रहे हैं, एक बार सभी के सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे भैया। फटाफट से एक बार जल्दी से आप सारे के सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। और इंडियन पॉलिटी की क्लास है, UPSI के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए आपका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले तो अनअकैडमी कॉम्बैट पर आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। अनअकैडमी कॉम्बैट पर पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग क्या करना है, कोड लगाना है ABSIR10, और ABSIR10 कोड लगा करके आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अपने आप को इनरोल कर लेना है। एकदम फ्री में इनरोलमेंट है, और जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पास में बहुत सारा चांस रहेगा अधिक से अधिक प्राइज जीतने पर यहाँ का, क्योंकि 1 करोड़ का आपका पूल इसमें दिया गया। इसके अलावा अपनी रैंक भी आप लोग बिल्कुल पहचान सकते हैं कि कितनी तैयारी हुई है, ये जरूर जानना है आप सभी लोगों को, ठीक है। तो एक बार जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ते हैं हमारे साथ में, वो सभी के सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अकेडमी में जो कॉम्बैट हो रहा है हर एक वीकेंड पर हो रहा है, उस सभी को आपको करना है। UPSC के लिए भी क्लास है, बिल्कुल भाई UPSC के लिए भी क्लास है, बिल्कुल अंजलि जी है, एकदम 100% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABSIR10 कोड का प्रयोग अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन कर रहे हो, अनअकैडमी पर जितने भी कोर्सेज हैं, किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन करते हो, तो आपको ABSIR10 कोड लगाने पर सभी लोगों को बच्चे डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलेगा। डिस्काउंट आप सभी को मिलना है। अगर आप ABSIR10 कोड लगाते हैं तो डिस्काउंट भैया निश्चित रूप से मिलने वाला है। अवधेश बाबू कहाँ आजकल रह रहे हो, अनअकैडमी की क्लास पर नहीं ज्वाइन कर रहे हो अवधेश बाबू? बहुत दिनों बाद बीच बीच में आप जुड़ रहे हो, रेगुलरिटी तुम्हारी समाप्त हो गई है, क्यों अवधेश बोलिए? उसके बाद में SSC, बैंक, रेलवे, MPPSC या UPSC, IIT, JEE, गेट, नीट, किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन करते हो, बस कोड लगा लेना है भैया ABSIR10 कैपिटल लेटर में, और डिस्काउंट आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। चलिए शुरुआत करते हैं, और अनअकैडमी पर इस प्लस कोर्स को ज्वाइन करना मत भूलिए। ये आपका जो प्लस कोर्स है, इसका क्लास 3:30 बजे रहता है मेरा, जिसमें मैं 100 मार्क्स के लिए आपको UPSI का हिंदी पढ़ा रहा हूँ, और ये क्लास आपकी रेलवे कैटेगरी में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है बच्चे? ये क्लास आपका रेलवे कैटेगरी में हो रहा है, इस बात को आपको याद रखना है। किसमें हो रहा है? रेलवे कैटेगरी में हो रहा है। 100 मार्क्स मेरे साथ हिंदी में जबरदस्त उमदा परफॉर्मेंस के लिए। क्लियर है भाई? बिल्कुल अनिता शर्मा, एकदम बच्चे फौजी, उमेश यादव, सारे लोग जुड़िए, एक बार शेयर कीजिए सेशन को अधिक से अधिक। और ABSIR10 कोड लगाना कैपिटल लेटर में नहीं भूलना है किसी भी विद्यार्थी को सब्सक्रिप्शन लेने पर। और अपना यहाँ पर क्वाइंस भी रिडीम कीजिए, और क्वाइंस और प्लस रेफरल कोड मिलाकर के आप 20% तक का भैया डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो सारे के सारे विद्यार्थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, पट्टाभी सीतारामैया वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ विच स्टेट? पट्टाभी सीतारामैया किस राज्य के पहले राज्यपाल थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल? क्या आंसर होगा बच्चे? फटाफट से आंसर कीजिए तेजी से, कि पट्टाभी सीतारामैया को किस राज्य का पहला राज्यपाल बनाया गया था? और पट्टाभी सीतारामैया, ये वही पट्टाभी सीतारामैया हैं जो गांधी जी के कैंडिडेट थे, और सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। तो गांधी जी ने कहा था यह पट्टाभी की हार नहीं, यह हमारी हार है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है भैया कि पट्टाभी सीतारामैया जो है, ये आपके किस देश के, किस राज्य के पहले राज्यपाल थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया सोनू द्विवेदी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश सोया प्रदेश है, यानी कि सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। रोको टोको अभियान कहाँ पर आया था मास्क को लेकर के? मध्य प्रदेश। इंतजार आपका अभियान कहाँ पर आया था? मध्य प्रदेश। और FIR आपके द्वार कहाँ पर आया था? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में नंबर वन तो है ही, लोकसभा सीट नंबर वन, राज्यसभा सीट नंबर वन, विधानसभा सीट नंबर वन, विधान परिषद सीट
नंबर वन, यानी कि सभी सीटों में सबसे अधिक सीटें कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उड़ीसा की बात करेंगे, गणेशी लाल और नवीन पटनायक दोनों का नाम याद रखना है। गणेशी लाल कौन हो जाते हैं, गवर्नर, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री। अब एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अगर हैं कहीं की तो आपकी कौन हो जाती है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, याद रहेगा। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना चाहिए, बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना चाहिए, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब आपकी वेस्ट बंगाल में स्थित है। क्लियर हुआ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, निम्नलिखित में से कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं था, वी एस रमा देवी, आर के त्रिवेदी, नागेंद्र सिंह या रंजन गोगोई, क्या आंसर होना चाहिए, कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं था, आंसर कीजिए फटाफट। वेरी गुड इवनिंग भैया, बादल क्रिएशन, बादल वाले भैया वेरी गुड इवनिंग, शेयर करते जाओगे सारे के सारे विद्यार्थी सेशन को, एक बार शेयर जरूर करेंगे, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ते हो एक बार सेशन को शेयर करना बनता है भाई, ठीक है, बिल्कुल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन सा नहीं था, देखिए बड़ा बेहतरीन सवाल है, अगर पूछा जाएगा एकमात्र अभी तक की महिला सीईसी, पहली और अभी तक की महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत कम समय के लिए बनती हैं, बी एस रमा देवी, ठीक है। रंजन गोगोई साहब क्या रहते हैं, क्या रंजन गोगोई साहब भैया सीईसी रहते हैं, बिल्कुल नहीं, रंजन गोगोई साहब जो हैं ये आपके सीजेआई रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब रहते हैं, तो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नागेंद्र सिंह, आर के त्रिवेदी, वी एस रमा देवी, ये तीनों के तीनों आपके कौन भाई होते हैं, ये आपके सीईसी बनते हैं, ठीक है, याद रहेगा, हाँ या ना, क्योंकि रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल वॉज लॉन्च इन विच सिटी, कहां पर भैया 3D स्मार्ट इंटेलिजेंस के नाम से ट्रैफिक सिग्नल था, ये किस शहर में शुरू किया गया, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मोहाली या गुरुग्राम, क्या आंसर होना चाहिए भाई, फटाफट से आंसर कीजिए भैया, सोनू द्विवेदी, अरविंद सिंह, जितने लोग जुड़े हुए हैं तेजी से आंसर कीजिए बच्चे, फास्ट। देखो बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, अगर कहीं भी पूछा जाएगा 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, तो 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल जो है ये आपका शुरू किया गया है कहां पर, मोहाली में, बिल्कुल मोहाली में है, ठीक है। न्यू दिल्ली में मास्क बैंक खोला गया था, प्लाज्मा बैंक खोला गया था, 5T अभियान आया था, DRDO का वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल भी खोला गया था, बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे है, संस्थापक कौन थे भैया, कैंपेगौड़ा संस्थापक थे, भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, इसरो का हेडक्वार्टर भी स्थित है। वोटर पार्क, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा बच्चे कि वोटर पार्क कहां पर है, तो वोटर पार्क आपका गुरुग्राम में, याद रहेगा, हाँ या ना एक बार बताओगे कमेंट सेक्शन में, और थम्सअप करके शेयर कीजिए एक बार, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रेसिडेंट कौन थे, नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाद पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे, इसके मतलब समझे, इसके मतलब यह है पहले ऐसे कौन से राष्ट्रपति बने जिनको कि कांग्रेस पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया था, यानी कि वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे, ऐसे कौन से थे, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे पहले, उनका नाम आप सभी लोगों को बताना है, बेहतरीन तरीके से बताइए भाई, फटाफट आंसर कीजिए। उमेश यादव, बहुत बढ़िया भाई, कस्मा शर्मा, अवधेश, वेरी गुड, अरविंद सिंह, तेजी से आंसर कीजिए, अवधेश बाबू, कुलदीप, अनीता शर्मा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, तेजी से आंसर कीजिए आप सारे लोग, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करते रहिए। क्या आंसर होगा इसका, देखो भाई अगर कभी पूछा जाएगा भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति, तो पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति हो जाते हैं कौन, नीलम संजीव रेड्डी साहब, और ये जनता दल के थे, ये जनता दल के थे, और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले सिख राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जाल सिंह, वैज्ञानिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, याद रहेगा, हाँ या ना एक बार जल्दी से बताओगे, क्लियर है ना, क्लियर है, बिल्कुल। ज्ञानी जाल सिंह साहब ने जो डाकपाल बिल वाला था उसके ऊपर पॉकेट बीटो का प्रयोग किया था, याद होना चाहिए।
हु वाज द सेकेंड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है जिसकी स्थापना 1992 में होती है, इसकी दूसरी अध्यक्ष कौन थी? पहली नहीं पूछा गया है, दूसरी अध्यक्ष आपको बताना है राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन थी, जयंती पटनायक, गिरजा व्यास, रेखा शर्मा या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए भैया, सही आंसर क्या होगा इसका? बड़ा बेहतरीन सा देखिए क्वेश्चन है, अगर कभी भी पूछा जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की दूसरी अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो दूसरी अध्यक्ष बनती हैं वो बनती हैं बच्चे कौन? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जयंती पटनायक पहली हैं, गिरिजा व्यास लगातार दो बार बनती हैं, रेखा शर्मा वर्तमान में है, याद रहेगा भाई। अब पूरी लिस्ट हम लोग यहां पर देख सकते हैं, जयंती पटनायक पहली हो गई, दूसरी है मोहिनी गिरी, तो इसीलिए तो नन ऑफ दिस था ना, वहां पर मोहिनी गिरी विल बी द करेक्ट, क्लियर है। और गिरिजा व्यास लगातार दो बार पांचवी और छठी रहती हैं, और रेखा शर्मा वर्तमान में है, यानी कि 2018 से लगातार यही भारतीय या राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है बच्चे, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वाज नॉट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष कौन नहीं थे? सूरज भान, नीलम संजीव रेड्डी, सुमित्रा महाजन या मीरा कुमार, क्या आंसर होना चाहिए भाई कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन नहीं थे? फटाफट आंसर करोगे? बिल्कुल अवधेश बाबू, सुशील, जितने लोग जुड़े हुए हैं शेयर जरूर किया करो भैया, सेशन को आप सारे लोग शेयर जरूर किया करो, जितना शेयर करोगे उतनी संख्या रहेगी और आनंद भी आएगा। एक बार सारे के सारे लोग, मॉर्निंग स्टार वाले भैया बताइए, मॉर्निंग स्टार वाले भैया बताइए, सुशील पासवान बताइए, बच्चे अवधेश बाबू आंसर बताइए, देखिए अवधेश कह रहे हैं, अरविंद कह रहे हैं सूरज भान होना चाहिए, अरविंद कह रहे हैं सूरज भान होना चाहिए, बहुत बढ़िया, जितने लोग सूरज भान आंसर कर रहे हैं एकदम सही है। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के स्पीकर भी रहे प्लस राष्ट्रपति भी रहे, और लोकसभा के स्पीकर दो बार रहे, ये भी पॉइंट आपको याद रखने के लिए। सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर, मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, सुमित्रा महाजन, पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार, दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन, और नीलम संजीव रेड्डी आपके लोकसभा स्पीकर भी रहते हैं और हो जाते हैं आपके राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है, क्लियर है अवधेश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द व्हाट इज नॉट कंटेंट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा भारतीय प्रस्तावना में निहित नहीं है? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सिक्योरिटी या सेक्युलर, क्या आंसर होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या निहित नहीं है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है वो क्या है? फटाफट आंसर करोगे भैया, लोकतंत्र, रिपब्लिक, सिक्योरिटी या सेक्युलर, क्या आंसर होना चाहिए? देखो भारतीय संविधान की बात की गई है, और भारतीय संविधान की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो भारतीय संविधान बना कब? बना भैया 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भैया लागू हो गया था। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा पर बहस कितने दिन चलती है? 114 डेज चलती है। संविधान सभा में सदस्य कितने होते हैं? 389 है। महिला कितनी होती हैं? 15 होती है। सारे फैक्ट क्लियर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर प्रस्तावना में निहित नहीं है तो सुरक्षा की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है, रिपब्लिक की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, सेकुलर पंथ निरपेक्ष की बात है, याद रहेगा, हाँ या ना बताइए, हाँ या ना एक बार कमेंट सेक्शन में बताया करो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताओगे, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेरुबारी यूनियन केस इज रिलेटेड टू, जो बेरुबारी यूनियन केस है इसका संबंध किससे है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फंडामेंटल राइट से या फंडामेंटल ड्यूटी से या प्रीएम्बल से, बेरुबारी यूनियन केस का संबंध बच्चे किससे है? आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? बेरुबारी यूनियन केस का संबंध किससे है? देखो बड़ा महत्वपूर्ण सा सवाल है, जब प्रीएम्बल की बात आती है ना तो प्रीएम्बल में बेरुबारी ने कह दिया भैया प्रीएम्बल संविधान का अंग नहीं है, ठीक है, और इसके बाद में 1973 में एक डिसीजन आया, केशवानंद भारती ने कहा कि भैया संविधान का अंग है और इसमें जब संविधान में संशोधन, प्रीएम्बल में कोई संशोधन होगा तो इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए,
यानी कि इसका जो मूलभूत ढांचा है, जो मूलभूत ढांचा है वो मूलभूत ढांचा ना बदले, ऐसा कहा गया था। किसमें ऐसा कहा गया था भाई? केशवानंद भारती ने। और यहाँ पर बेरुबारी यूनियन केस की जब भी बात करोगे तो बेरुबारी यूनियन केस किससे संबंधित हो जाएगा? प्रियंबल से। मौलिक कर्तव्य की बात करते हो तो यूएसएसआर से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट की बात करते हो तो ये आपका यूएसए से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट। ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डीपीएस भी पूछा जाएगा तो ये आयरलैंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आयरलैंड से। भाई आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक ये दिए गए हैं आपके डीपीएस में। क्लियर है भाई? चलिए, बिल्कुल। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कह दिया सीधे केशवानंद भारती ने कह दिया, ठीक है? बिल्कुल नवदीप कौर। वेन डिड नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड, नीति आयोग कब बना? 2014, 2015, 2016 या 2017? फटाफट आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई इसका? तेजी से आंसर करोगे, नीति आयोग बच्चे कब बना? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भाई मोदी जी की सरकार आई 2014 में, भारतीय जनता पार्टी इनके नेतृत्व में सरकार बनी बीजेपी की, और सीधे सीधे इन्होंने कहा कि भैया जो प्लानिंग कमीशन जो कि 15 मार्च 1950 को नेहरू जी ने बनाया था, इनका इसका तिड़ीझाम हटाया जाए। भाई तिड़ीझाम का मतलब समझते हो? इसको हटाया जाए, इसका झंडा नीचे करो, अब झंडा लगा दो अपना नीति आयोग का। इन्होंने कहा अब झंडा लगेगा नीति आयोग का, और इन्होंने नीति आयोग का झंडा लगा दिया। यानी कि वो था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लानिंग कमीशन वाज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड द नीति आयोग इज ऑल्सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नीति आयोग वाज सेटअप ऑन 1 जनवरी 2015 एंड द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 1950। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का भी देखिए चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है, और प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी प्रधानमंत्री ही होता था। आगे बढ़ते हैं। अब मनी बिल इन पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द रिकमेंडेशन ऑफ, संसद में कोई धन विधेयक है किसकी सिफारिश के साथ पेश किया जा सकता है? फिनांस सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिनांस मिनिस्टर? क्या आंसर होना चाहिए इसका? संसद में एक धन विधेयक किसकी सिफारिश के साथ पेश किया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा? तेजी से आंसर करोगे भैया, फास्ट। संसद में एक धन विधेयक जो है वो किसकी सिफारिश के साथ में पेश किया जा सकता है, आंसर क्या होगा? फिनांस सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिनांस मिनिस्टर? क्या आंसर होगा? दीप निर्मल भैया आंसर करते रहोगे, शोभा जी आंसर करते रहिए, अवधेश, सतीश बाबू, सारे के सारे विद्यार्थी तेजी के साथ में आंसर करते रहेंगे तो एकदम आनंद आएगा। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं ना बच्चे, वो सारे के सारे विद्यार्थी जरूर आंसर करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका आंसर आने वाला है भाई। आपका आंसर जो है वो निश्चित रूप से आ रहा है, बहुत बेहतरीन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट। भाई मनी बिल की बात हो रही है ना, तो आर्टिकल नंबर 110 और 110 मनी बिल जो आएगा वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ओनली प्रपोज्ड इन लोकसभा। ये पॉइंट जरूर याद रखना है। अगर सवाल पूछा जाए हु विल बी द डिसाइड, कौन सा मनी बिल है ये कौन डिसाइड करेगा, देन द आंसर विल बी लोकसभा स्पीकर। मनी बिल को किस प्रकार के बहुमत से पास होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत। क्या हो जाएगा भैया? साधारण बहुमत से पास हो गया। ठीक है भैया, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के सदस्य को अयोग्य ठहराने के विवाद पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत कौन है? फटाफट आंसर कीजिए, अधिकृत कौन है, आंसर कीजिए। संसद द्वारा स्थापित समिति है, लोकसभा अध्यक्ष है या राष्ट्रपति है या चुनाव आयुक्त है? इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा? इस प्रश्न का बच्चे सही उत्तर क्या होगा? कौन अधिकृत है, कौन अधिकृत है, बोलिए भाई कौन अधिकृत है, फटाफट आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा बेहतरीन सा देखिए क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर भी सकते हो। अगर कभी भी ऐसा पूछा जाएगा, संसद के सदस्य को अयोग्य ठहराने के विवाद पर निर्णय हमेशा लोकसभा स्पीकर ही लेता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, वर्तमान में ओम बिरला है। पहले कौन थे? पहले थे भाई गणेश वासुदेव मावलंकर साहब थे।
चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सीईसी सुनील अरोड़ा साहब हैं, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की शुरुआत हो सकती है, कहां पर संविधान में संशोधन की शुरुआत हो सकती है? फटाफट आंसर कीजिए भैया, संविधान में संशोधन की शुरुआत जो है वो कहां पर हो सकती है, क्या आंसर होगा? फटाफट से आंसर कीजिए, तेजी से, फास्ट। बड़ा बेहतरीन सा सवाल है भाई, संविधान में जब संशोधन की शुरुआत हो सकती है, सबसे पहले तो संविधान संशोधन प्रक्रिया अगर कभी भी पूछी जाएगी तो आर्टिकल नंबर 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर है, और ये संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है ये आपकी एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने से, इसका मतलब हो गया लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं भी। ठीक है भैया, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why which of the following amendment the directive principle of state policy gave complementary of fundamental rights? यानी कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई? 40वें, 42वें, 44वें या 368 संविधान संशोधन से आंसर कीजिए, जिसमें आप लोगों को नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, यह आपको बताना है। बताइए बच्चे, फास्ट। देखो डीपीएसपी हमने बता दिया 36 से 51 आयरलैंड से लिए गए मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, और ये दी गई 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ, इसके थ्रू 51A जोड़ा गया, इसके थ्रू 4A पार्ट जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? यूएसएसआर से, किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में हुआ, संपत्ति का जो अधिकार था, इसके थ्रू जो संपत्ति का अधिकार था उसको लीगल राइट बना दिया गया, आर्टिकल नंबर 300A में शामिल कर दिया गया, 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है। ठीक है भैया, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चे। अगला सवाल है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उतना ही वेतन प्राप्त करता है जितना ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या निचले कोर्ट के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश प्राप्त करते हैं, आंसर सही क्या होगा? देखो भैया, सीएजी की जब भी हम बात करते हैं ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो आप लोगों को एक बात याद रखना है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो आपका आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 151 के बीच में है, 148 से लेकर के 151 के बीच में है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भारत का पहला विधि अधिकारी कहते हैं, भारत का पहला विधि अधिकारी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा, पहला विधि अधिकारी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, उतना ही वेतन प्राप्त करता है जितना कि न्यायाधीश, और कहाँ के न्यायाधीश? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जितना वेतन प्राप्त करते हैं उतना प्राप्त करता है, याद रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मतदान की आयु को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया, आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर कीजिए। 61वें संविधान संशोधन से, 44वें से, या 24वें से, या 102वें संविधान संशोधन से, आंसर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो समझना इसको। ये जो कहानी है ये 1988-89 की है, और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी साहब, इन्होंने ये करवाया, और इसके लिए इन्होंने 61वां संविधान संशोधन करवाया जिसके थ्रू वोटिंग की जो एज है वो 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, 1984, 85, 86 या 88? क्या इसका आंसर होगा भाई? फटाफट से आंसर करोगे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तेजी से आंसर करोगे भाई, फटाफट से, इसका सही आंसर बच्चे क्या होगा? देखो बड़ा बेहतरीन से सवाल है यार, अगर कभी भी पूछा जाएगा आपसे तो आप इजीली यहां पर बता सकते हो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है किस वर्ष लागू हुआ था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1986 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भाई ये?
ये 1986 को लागू हुआ था, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 1985 में सार्क की स्थापना होती है, क्या होता है, SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर भैया काठमांडू में है, और इसके कंट्रीज पूछे जाएंगे, मेंबर कंट्रीज, एक कोड याद रखना बस, MBBS पीना, ये इसका कोड है, एक कोड जरूर याद रखोगे। एम से मालदीप है, बी से बांग्लादेश है, फिर भूटान है, फिर श्रीलंका है, पी से पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, फिर नेपाल है, फिर अफगानिस्तान है, ये आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है भाई। MBBS पीना, ये आपके सार्क मेंबर कंट्रीज हो जाते हैं। 1988 भी याद रखोगे, सेबी की जो स्थापना होती है वो 1988 होती है, ठीक है भैया, याद रहेगा, नॉट 86, तुम कंफ्यूज हो गए थे अवधेश, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय, जो भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची है उसको किसके द्वारा जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन से, आठवें से, या नवे से, या 54 से, क्या आंसर होगा इसका, फटाफट से आंसर करोगे भैया, प्यारे विद्यार्थियों तेजी से आंसर कीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तेजी से आंसर कीजिए, फास्ट क्या आंसर हो जाएगा इसका, बेहतरीन तरीके से आंसर करते रहोगे भैया सारे लोग, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है, फटाफट से आंसर कीजिए आप सारे के सारे लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल 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 एकदम सही है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाता है क्या, प्रथम संविधान संशोधन से नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता है, CISF, UPSC, नीति आयोग, NSG, हमेशा याद रखना है, सेंट्रल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल फोर्स, ये नहीं आएगा सूचना के अधिकार में, UPSC आता है, नीति आयोग भी आता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं आएगा, तो यानी कि 1 और 4 ये आपके सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है बच्चे, याद रहेगा, हाँ या ना, क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिए, और इसके बाद में एक प्लस क्लास है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस प्लस क्लास का नाम है कैप्सूल, स्टैटिक GK कैप्सूल फॉर SSC ऑल एग्जाम्स, ठीक है, तो वो रात में 10 बजे क्लास है, उस पर जरूर जुड़िए। जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, कोड लगाइए मेरा ABCERTAIN और सब्सक्रिप्शन आप सारे लोग कीजिए, ABCERTAIN कोड लगाइए और सब्सक्रिप्शन कीजिए, और अनअकैडमिक कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिए भैया, कॉम्बैट में आप सारे लोग पार्टिसिपेट करना है, इनरोल कीजिए, कोड लगाइए ABCERTAIN और अपने आप को इनरोलमेंट कर लीजिए यहाँ पर। दूसरी चीज़, ABCERTAIN कोड से आप किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, ठीक है, चाहे SSC का ले रहे हो या UPSC का कर रहे हो या MPPSC का कर रहे हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन कर रहे हो, कोड आपको बस एक ही याद रखना है, केवल एक कोड, आपका अपना कोड ABCERTAIN, ठीक है भाई, याद रहेगा, कैपिटल लेटर में लिख करके अप्लाई पर क्लिक जरूर कीजिएगा, निश्चित रूप से डिस्काउंट मिलेगा। और ये UPSI का प्लस कोर्स है, इस प्लस कोर्स को आप लोग कहाँ पर कर सकते हो, ये भैया रेलवे कैटेगरी में UPSI चल रहा है, इस प्लस कोर्स में इन्वॉल्वमेंट कीजिए, मेरे साथ 100 मार्क्स की तैयारी कीजिए, जनरल हिंदी डेली 3:30 बजे, ठीक है बच्चे। इसके बाद में कैपिटल लेटर में लगाया, 12 मंथ्स का रेलवे का सब्सक्रिप्शन लिया, रेलवे की भी तैयारी की, UPSI की भी तैयारी की, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग दोनों तैयारी कर सकते हो, और क्वाइंस भी रिडीम कीजिए, तो दोनों मिलाकर के आप 20% तक का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए।